4.4 के अंदर हमें फार्मूला चेंज करना है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है किसके, a क्यूब माइनस का 3a² b प्लस का 3ab² माइनस का b की पावर 3। अब सवाल ये है कि ये आया कहाँ से। इस सवाल को या इस फार्मूले को देखकर आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है, मैं अगर इसको देखता आपकी जगह तो मेरे जहन में सवाल ये पैदा होता है कि सर माइनस का फार्मूला है, इसमें ये प्लस क्या लेने आया है यहाँ पे। फार्मूला किसका था, इससे पहले कल हमने क्या पूछा, सवाल था प्लस था, उसमें सारे किस्में थे, अब इसमें अगर माइनस है तो सारे किस्में होने चाहिए, तो ये प्लस क्या कर रहा है यहाँ पे। ये सवाल अगर मैं आपकी जगह होता तो ये सवाल पैदा होता। तो आइए हम इसको देखते हैं कि ये प्लस यहाँ पर क्यों है, पहले ये देख लेते हैं। इसको हम हल करेंगे, a माइनस बी की पावर 3 है, इसको क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी और a माइनस बी का स्क्वायर, क्या ख्याल है, पावर 3 है, ये पावर क्या आ गई 1 और ये पावर क्या आ गई 2 और 3। a माइनस बी मैंने ऐसे लिखा और ये क्या लिखा हुआ है, ये फार्मूला है a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो जब आप पढ़ते हो ना, इल्म होता है इल्म, बचपन में खेल खिलाते हैं बच्चों को, वो खेल होता है, कोई कहानी की किताब आती है, उस कहानी की किताब में डॉट डले होते हैं बहुत सारे, उस पर नंबर लिखे होते हैं 1, 2, 3, वो कहते हैं डॉट से डॉट मिलाइए, है ना, तो हम क्या करते हैं डॉट से, अच्छा जब देख रहे होते हैं तो कुछ भी नहीं दिख रहा होता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता क्या है, लेकिन पहले 1 को 2 से मिलाया, 2 को 3 से, 3 को 4 से, जैसे जैसे मिलाते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता जाता है, एक पिक्चर जो है वो बनती जाती है। तो डॉट से डॉट मिला के पूरी पिक्चर तक पहुंचना, ये आपको बचपन में सिखाया जाता है, वो इसीलिए सिखाया जाता है कि जब आप आला तालीम हासिल करो तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, डॉट से डॉट मिलाने। सर ने एक डॉट बता दिया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, अब ये डॉट तो आपको पता है, इस डॉट से मैं अब अगला डॉट मिला के पूरी पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर क्लास एक डॉट है, हर टॉपिक एक डॉट है, अगले टॉपिक का भी एक डॉट है, अगले टॉपिक का भी एक डॉट है, तो आपको स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, डॉट से डॉट को मिलाना पड़ता है ताकि पूरी बात आपके जहन में आ जाए। अगर आपने कल की बात पढ़ी भूल गए, 5 दिन पहले जो पढ़ा था भूल गए, 8 दिन पहले जो पढ़ा था भूल गए, तो आपने डॉट से डॉट मिलाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया दरअसल। और जब आप सिर्फ आप डॉट ही डॉट पर रहोगे हर वक्त, डॉट से डॉट मिलाने का कोई तस्वीर आपके जहन में क्रिएट नहीं होगा, ये बड़ा ख़तरनाक एलिमेंट होता है। सारी ज़िंदगी आप पढ़ते हैं, आता कुछ नहीं, किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आप पहला डॉट मिलाते हैं पिछला वाला मिटा देते हैं, फिर अगले से अगले को मिलाते हैं पिछला फिर मिटा देते हैं, फिर अगले से अगले को मिलाते हैं पिछला मिटा देते हैं। जब आप पिछला मिटाते जाएंगे ऐसे और डॉट से डॉट मिलाते जाएंगे पिछले मिटाते जाएंगे तो क्या होगा, पूरी पिक्चर आएगी, कभी भी नहीं आएगी। इसलिए ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आज जो डॉट हमने मिलाया था पीछे वाले से वो ज़िंदा रहे, बाकी रहे, जहन में रहे, ताकि अगला डॉट जब हम मिलाएं तो फिर एक पिक्चर बनना शुरू हो जाए, तो मैथ की पूरी पिक्चर बनेगी ऐसे, सही है, फैक्टराइजेशन की पूरी पिक्चर बनेगी ऐसे डॉट से डॉट मिलाने से। और अगर आप पिछले डॉट मिटाते जा रहे हैं तो फिर मेरे साथ बैठे रहिए पूरे साल, सही है, मैं कोर्स ख़त्म करा दूंगा, आपसे पूछूंगा आपको क्या आया, आप बोलेंगे सर हमें कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि आप उसी डॉट पे खड़े होंगे जो लास्ट टाइम पढ़ाया होगा, पिछले सारे डॉट क्या हो गए होंगे, मिट गए। तो अब देखिए मैं इसको उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने a लिखा, a के साथ ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख दी, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, फिर ये माइनस का b लिखा और इसके साथ ये वाली पूरी ब्रैकेट लिख दी, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये बात क्लियर हो गई। a को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a क्यूब, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2a² b, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ab²
फिर माइनस से ब्रैकेट खोली, माइनस को बी से देंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी, माइनस माइनस प्लस, बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, टू ए बी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बी की पावर थ्री। तो मैंने यहाँ लिखा ए क्यूब, ये क्या लिखा हुआ है, टू ए स्क्वायर बी, और ये क्या लिखा हुआ है, वन ए स्क्वायर बी, दोनों के साइन भी क्या है सेम, तो हम क्या कर लेंगे, एट थ्री ए स्क्वायर बी। क्लियर हो गई बात आपको। उसके बाद ये प्लस का वन ए बी स्क्वायर है और ये प्लस का टू ए बी स्क्वायर है, दोनों जमा हो के कितने हो गए, थ्री ए बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर। आपने देखा इस पूरे गेम में ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो अब आपको पता चला ये वाला प्लस क्यों आया हुआ है, क्यों इसलिए आया हुआ है कि ये माइनस ने इस माइनस को मल्टीप्लाई करके क्या किया था, प्लस, और ये वाली चीज़ प्लस में ही आई थी, तो ये प्लस की और ये प्लस की जमा के जवाब क्या आ गई थी, प्लस। ये बात क्लियर हो गई। तो हमारा फार्मूला क्या बना, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस का थ्री ए स्क्वायर, बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस का बी क्यूब। हमको खोलना नहीं है फार्मूला, बल्कि क्या करना है, फार्मूला बंद करना है। यानी ये जो ये वाली चीज़ अगर आपको कहीं नज़र आएगी तो आपको उसे कैसे लिखना है, आपको उसे ऐसे लिखना है। यहाँ से हम सवाल शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, ये एक्सरसाइज है 4.4। क्वेश्चन नंबर टू का पहला पार्ट, ए क्यूब जी सॉरी ए नहीं है बल्कि क्या है, बी क्यूब माइनस का सिक्स, डी स्क्वायर सी प्लस का ट्वेल्व, डी सी स्क्वायर माइनस का एट सी क्यूब, ऐसा ही है। चलो भाई ये हमारा सवाल है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे फार्मूले का फॉर्मेट देना है, ठीक है, जैसे कल हमने दिया था। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बी की पावर थ्री, और इसको आप क्या लिख सकते हो, टू सी की पावर थ्री। समझ में आ गई बात, टू की पावर थ्री का मतलब एट होता है और सी की पावर थ्री ऐसे है, माइनस का साइन ऐसे ही, और फार्मूले में क्या है, थ्री ए, ए की जगह मैं क्या लिखूँ, डी, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूँ, बी, बी की जगह मैं क्या लिखूँ, टू सी, ठीक है, फिर प्लस प्लस थ्री थ्री, ए, ए की जगह पे क्या लिखूँ, डी, और बी की जगह पे क्या लिखूँ, टू सी, उसका स्क्वायर है इस पे क्या लगा दूँ। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वाली चीज़ बिल्कुल इसके बराबर है या नहीं है। ये तो इसके बराबर है, थ्री टू ज़ा सिक्स डी स्क्वायर सी, देखिए थ्री डी स्क्वायर सी। अच्छा ये जब आप दो की पावर दो करोगे तो कितना हो जाएगा, चार, चार को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व डी सी स्क्वायर, ये देखिए ट्वेल्व डी सी स्क्वायर, ये वाली चीज़ बिल्कुल यही है। तो अब इसका हल क्या है, यहाँ से आप डी निकालोगे और वहाँ से माइनस के साथ टू सी निकालोगे और इस पर क्या कर लोगे, क्यों, ये इसका जवाब हो गया, उतार लीजिए, ठीक है भाई। अब ये सवाल है हमारे पास, तो पहले हम इसको फार्मूले की फॉर्मेट देंगे। क्या है फार्मूले की फॉर्मेट, देखिए क्या होता है, पहले लिखा है एक्स की पावर अंदर दो बाहर, बोलो ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 64 को क्या लिख सकते हैं, फोर, और 27 को क्या लिख सकते हैं, थ्री, क्योंकि चार को तीन मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, चार चौक 16, 16 चौक 64, और तीन को तीन मरतबा मल्टीप्लाई करने से थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आ गए यहाँ, तो फार्मूले में क्या होता है, तो हमको माइनस लगाना है, जबकि यहाँ देखो क्या लगा हुआ है, हमको फार्मूले का फॉर्मेट बनाना है, तो हमें यहाँ से माइनस लिया हमने, उसके बाद क्या लिया मैंने, थ्री, थ्री के बाद ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, और बी हमारा क्या, स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा,
ए पे स्क्वायर है ना, ये तो मैंने ए लिखा है, इसका स्क्वायर ये वाला डाल दिया, और बी की जगह पे क्या लिखूंगा, 4/3। वेरी गुड। उसके बाद फार्मूले में क्या होता है, प्लस 3 ए, ए की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखेंगे, 4/3 का स्क्वायर। अब ज़रा चेक कीजिए कि क्या ये जवाब दे रहा है, एक्स की पावर 2 की पावर 3 तो ये आ रही है, ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा, 4x की पावर 4, माइनस का 4x की पावर 4, कहाँ है माइनस का, 4x की पावर 4, ये रहा। फोर एक्स की पावर 4, जबकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये तो गलत हो गया। और इसी तरीके से जब यहाँ आप आएंगे तो ये 4/3 कितनी बार है, 4 2 बार, तो 16 आ गया, और 3 जब 2 बार होगा तो 3 से 3 कटेगा, 1 3 बचेगा, वो 1 3 भी आ गया, और x की पावर क्या आएगी, 2। तो ये गलती सी इन्होंने यहाँ पर x की पावर 4 कर दी, यहाँ क्या होनी चाहिए, 2, और यहाँ क्या होना चाहिए, 4। इसको चेंज कर लें आप ताकि सवाल आपको आसान हो जाए, ठीक है। अब जब ये फार्मूले की फॉर्मेट बन गई तो यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, और वहाँ से क्या निकालेंगे, माइनस का 4/3, और इसका क्या कर देंगे, होल क्यूब। उतारिए, तो हमको इसका, इसको फार्मूले का फॉर्मेट देना है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, ये तो आ गया एक्स 5, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 5, क्यों, 5 की पावर 3 का मतलब 125, 5 को 3 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 25 5 5 125। ये क्यूब मैंने ऐसे उतार लिया, इसको क्यूब बना लिया, इसको क्यूब कैसे बनाएंगे, ये तो खुद ही है क्यूब, बीच में क्या आता है, माइनस का 3 ए, ए की जगह एक्स अपॉन 5 का स्क्वायर, बी, बी की जगह पे वाई, प्लस प्लस 3 3 ए, ए की जगह पे एक्स अपॉन 5, और बी, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब देखना ये कि क्या ये इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है, ये 5 की पावर 2 का मतलब क्या बनेगा, 3/25 एक्स स्क्वायर वाई, बिल्कुल सही है, और ये क्या बनेगा, 3/5 एक्स वाई स्क्वायर, बिल्कुल सही है। बस जब सही है तो क्या करेंगे, यहाँ से एक्स अपॉन 5, वहाँ से माइनस का वाई, और इस पर क्या कर दिया, होल क्यूब। उतार लीजिए, ठीक है भाई, हम अब डायरेक्ट करवा रहे हैं आपको 8वां सवाल, बाकी के सवाल ऐसे ही हैं, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो इसको फार्मूले की फॉर्मेट देनी है, बताइए क्या देंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/3 एक्स, और ये क्यूब बाहर आ गया, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 3 की पावर 3 का मतलब 27। यहाँ से आ जाइए, माइनस का ये क्या लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 वाई की पावर 3, बीच में क्या आता है, माइनस 3 ए, ए की जगह 2/3 एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और बी, बी की जगह पे 3/2 वाई, फिर प्लस प्लस 3 3 ए, ए की जगह पे 2/3 एक्स, और बी, बी की जगह पे 3/2 वाई का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई बात, अब इसको चेक करें क्या ये इसके बराबर है, इसको हल करने से तो ये आएगा, क्या इसको हल करने से ये आएगा, देखो ये 2/3 दो बार है, एक बार से तो ये कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 1 कट गया, 1 बचा 2/3, उस 3 से ये 3 कट गया, तो सिर्फ बचा 2x2y, ये रहा, समझ में आ गई बात। यहाँ आ जाओ, ये 3/2 कितनी बार हैं, तो एक बार से तो ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, एक बार बचा, वो जो एक बार बचा 3/2, 3 3 9/2, और ये वाला x और ये वाला y स्क्वायर,
और वाकई वो सही है। तो ये फार्मूला बंद हो सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2/3x और वहाँ से माइनस का 3/2y इसकी पावर क्या आ गई, क्यूब, उतार लीजिए और एक्सरसाइज का